10% general reservation song. 3, 2, 1, shuru. Reservation chahiye, tab super tin wala, job rahe nahi hai, kya hum karne wala, kya hum karne wala, kya hum karne wala. समझे नहीं समझे, चलिए एक साथ समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर। आप लाइव हो हमारे चैनल पे, यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। मेरा जो पिछला वीडियो था वो था मैगी के ऊपर। मैगी में फिर से पाया गया है लीड और उसका केस चल पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 10% जनरल रिजर्वेशन बिल जो हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुआ है, इस पर हम करेंगे एक चर्चा। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि जो व्यूअर्स पहली बार चैनल में आए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो एक निस्वार्थ वीडियो है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं है। ये एक कॉमन मैन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ वीडियो है और यहाँ मैं आपकी राय भी लूंगा कि आप क्या सोचते हो, कॉमन मैन ऑफ इंडिया क्या सोचता है इसके बारे में। तो ये जो आरक्षण या रिजर्वेशन टर्म है, ये जब पहली बार आया था इंडिया में तो एससी एसटी ओबीसी जो कि समाज के पिछड़े वर्ग के हैं, उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट के अदर फंक्शन करने वाले कंपनीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स में कोटा देने के लिए किया गया था, लागू किया गया था, क्योंकि उन्हें वहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं थी उस टाइम में, उस काल में। तो ये चलते चलते अभी 49.5% तक टिकी है और हाल ही में जो रूलिंग पार्टी अभी है उन्होंने 10% जनरल रिजर्वेशन यानी स्वर्ण वर्ग के जो दुर्बल आर्थिक अवस्था है जिनका, उनके लिए एक अपील किया था कि उन्हें भी 10% रिजर्वेशन मिले। तो उसमें पार्लियामेंट में वो लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो चुकी है और अब बस ऑर्डर आना बाकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये जो 10% और रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात है ये ऐतिहासिक होगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक हिस्टोरिकल चेंज है ये, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर चेंज हो तो वो अमेंडमेंट के थ्रू ही की जाती है, तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक ऐतिहासिक डिसीशन है जो रूलिंग पार्टी के द्वारा लिया गया है। और क्योंकि जनरल रिजर्वेशन के लिए कभी भी कुछ किसी ने इसके लिए सोचा नहीं था, तो उस हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली ये एक लाभदायक चीज़ है जनरल कैटेगरी के जो है उनके लिए। मगर अब बात कर लेते हैं कुछ खामियां जो इस रिजर्वेशन या फिर इस बिल में थी उसके बारे में। तो सबसे पहले जो बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश में आरक्षण का जो क्राइटेरिया है वो दिया गया है कि 50% यानी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो नहीं सकता, मगर यहाँ 49.5% ऑलरेडी है और 10% यानी 59.5 यानी कि 60% नियर अबाउट रिजर्वेशन अब होने वाला है। तो इस पे जो रूलिंग पार्टी है उसने कहा कि वो जो था वो सामाजिक तौर पे जो लोग पिछड़े वर्ग के थे उनका रिजर्वेशन है वो अलग चीज़ है, और जो 10% ये आर्थिक का है, 10% स्वर्ण वर्ग के जो आर्थिक तरीके से दुर्बल है उनके लिए किया गया है। तो ये सोचने वाली बात है, आप बताइए कि क्या है क्या नहीं है, कमेंट कीजिए। अब मैं बताने वाला हूँ आपको क्राइटेरिया जो दी गई है इसमें जनरल, और ये किसी भी रिलीजियन के लिए है, हिंदूज एंड अदर रिलीजियंस 10% जो जनरल रिजर्वेशन है। तो इसमें जो क्राइटेरियाज है वो है कि एक, आपका जो मिनिमम इनकम है वो 8 लाख पर एनम से नीचे होना चाहिए, 8 लाख सालाना उससे नीचे होना चाहिए। दूसरा जो दिया गया है वो कहा गया है कि आपके पास ज़मीन अगर हो तो मतलब खेती करने के लिए हो या ऐसे भी हो वो 5 एकड़ से कम हो। और तीसरा कहा गया आपका जो रेसिडेंशियल हाउस है या फिर रेसिडेंशियल जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से नीचे होना चाहिए। तो इस चीज़ पे पहला जो है 8 लाख पर एनम अगर मैं पकड़ूँ तो बनता है, पकड़ लीजिए 60 से 65 हज़ार जैसा उसका मंथली इनकम होगा। तो किस हिसाब से, किस बेसिस पे ये तय किया गया 65,000 एक आदमी का अगर इनकम होगा तो सोचिए वो थोड़ी ही गरीब है, वो तो गरीब है नहीं, 65,000 इज़ ए गुड इनकम अगर देखा जाए, किसी भी स्टेट में आराम से वो रह पाएगा इंडिया में। 5 एकड़ का ज़मीन भी अगर देखे मिनिमम, तो 5 एकड़ भी बहुत ज़्यादा ज़मीन होता है अगर देखा जाए।
और 1000 square feet का भी क्राइटेरिया जो है वो भी थोड़ा बहुत इर्द गिर्द है। आप बताइए, कमेंट कीजिए कि ये जो 3 criteria है वो ठीक है नहीं है, या फिर क्या सुधार होना चाहिए था असल में, क्या चेंजेस होने चाहिए थे आपके हिसाब से, आप बताइए वो। और एक बात तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि करप्शन जो है वो चलते आया है, SC ST के टाइम पे भी इधर उधर एफिडेफिट होके भी चेंजेस होके आए थे, बहुतों ने SC ST का लाभ उठाया जो SC ST के थे भी नहीं। और यहाँ पे अब जब 10% जनरल रिजर्वेशन का चीज़ आया है तो इसमें भी हो सकता है करप्शन हो। और सबसे बड़ी बात जो रहती है कि अगर 10% का रिजर्वेशन भी लाया गया है मगर एम्प्लॉयमेंट की अगर अपॉर्चुनिटी देखूँ या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया का बात करूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है, जॉब्स हैं नहीं यहाँ पे, तो किस हिसाब से वो कोटा या फिर परसेंटेज फुलफिल करेंगे। अगर पकड़ लीजिए 2 करोड़ लोग हैं और 2 लाख जॉब है और कोटा के हिसाब से वो 2 लाख जॉब कंप्लीट हो जाते हैं तो औरों का क्या होगा। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है हमारे लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाना है, जॉब्स को बढ़ाना है, ना कि रिजर्वेशन के बारे में ज़्यादा सोचना है। और सबसे बड़ी बात एक इकोनॉमिकल टर्म्स या फिर इकोनॉमिक्स में कहा गया है किसी भी देश की जो डेवलपमेंट होती है वो इससे भी तय होती है कि वहाँ पे रिजर्वेशन शून्य रहे, रिजर्वेशन की ज़रूरत ही ना पड़े, जॉब्स इतने ज़्यादा रहे कि सबको जॉब्स मिले, तो उस पर हम तय कर पाएंगे कि वो कंट्री असल में डेवलप्ड है कि नहीं है। तो ये इकोनॉमिकल टर्म्स पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आज का ये डिस्कशन आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी राय क्या है इसमें, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की। आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।